माई चैनल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसने अभी धूम मचाई हुई है। यस, एक ऐसा सनस्क्रीन जो आई थिंक हर एक के मुंह पे है, दैट वन इज एक्वालॉजिका का ग्लो प्लस ड्यूई सनस्क्रीन। काफी सारे रिव्यू वीडियोज मैंने देखे थे, काफी लोगों के मुंह से सुना था काफी अच्छा है, तो मैंने सोचा कि जरूर से एक बार ट्राई करना चाहिए। सो बेसिकली ये मैंने अमेजोन से बाय किया है एंड यस, दिस इज नॉट ए स्पॉन्सर वीडियो, मैंने खुद ने बाय किया है, तो मैं अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो यस, बेसिकली ये मिलता है कुछ आपको इस तरह की कार्डबोर्ड बॉक्स की पैकेजिंग में। दिस इज एक्वालॉजिका ग्लो प्लस ड्यूई सनस्क्रीन, जिसमें पपाया है, विटामिन सी है, जो बेसिकली आपकी स्किन को ब्राइटन अप करेगा, हाइड्रेट रखेगा। सबसे अच्छी बात की ये एसपीएफ 50 प्लस के साथ आता है, लाइक 50 भी नहीं है, 50 प्लस है, तो काफी अच्छा एसपीएफ है इसके साथ। तो अगर आप सन में जा रहे हो, 4 से 5 घंटा अगर आपको धूप में रहना है, तो ये अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा आपकी स्किन को। यस, पीए 3+ इसमें रेटिंग है, लाइक पीए 3 रेटिंग है इसके साथ, और ये आपकी स्किन को यूवी एंड यूवीबी रेज से भी प्रोटेक्ट करेगा, साथ में जो ब्लू रेज होती है सन की, क्योंकि ब्लू रेज भी ना हमारी स्किन को काफी ज्यादा डैमेज करती है, तो उससे भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। सो यस, प्राइस आपको पे करनी होगी 399 रुपीज एंड क्वांटिटी आपको मिलेगी 50 ग्राम्स। एंड यस, दिस इज द ओवरऑल पैकेजिंग। यस, ये क्लेम कर रहा है कि आपको यूवीए यूवीबी एंड ब्लू रेज से प्रोटेक्ट करेगा, आपकी स्किन को जो टैन हो जाती है उससे प्रिवेंट करेगा, स्किन में ग्लो देगा, हाइड्रेट रखेगा स्किन को। एंड यस, दिस इज नॉन स्टिक एंड लाइट वेट फॉर्मूला, विच इज वेरी गुड, क्योंकि ऑयली स्किन वालों के लिए यार जो भी आप सनस्क्रीन लो ना, काफी ज्यादा हैवी होते हैं, स्किन को बहुत ऑयली बना देते हैं, तो उसके इसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। यूज कैसे करना है, बेसिकली जब भी आप बाहर धूप में जा रहे हो, मेक श्योर कि हाफ एन आवर से पहले आप अपने सनस्क्रीन को अप्लाई जरूर से कर लो, और सनस्क्रीन को बिल्कुल भी कंजूसी से नहीं लगाना होता है, अच्छी क्वांटिटी में लेके आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है। एंड जब भी आपको लगे कि 5 से 6 घंटे से ज्यादा आप धूप में हो, तो आप इसको रीअप्लाई कर सकते हो। सो यस, ये है कुछ इसकी आउटर बॉक्स की पैकेजिंग। बात करें इसके इनर पैकेजिंग की, तो ये मिलती है कुछ आपको इस तरह की स्लीक सी एक बॉटल में, जो कि पंप के साथ आएगी। एंड दिस इज द कंसिस्टेंसी, लाइक दिखने में थोड़ी थिक लग रही है, लाइक जेल कंसिस्टेंसी नहीं है, क्रीम में है। जैसे ही आप अपनी स्किन पे स्प्रेड करोगे, मसाज करोगे जेंटली, तो स्किन के अंदर सिंक इन हो जाएगी, एंड मोर ओवर एक ड्यूई ग्लोई फिनिश आपके फेस को देती है। सो इसको लगाने के बाद ना, मुझे जनरली कभी ऐसा लगता है कि मॉइस्चराइजर को आप स्किप कर सकते हो, मॉइस्चराइजर लगाने की नीड नहीं है, क्योंकि स्किन को मॉइस्चराइज भी कर देती है, हाइड्रेट भी हो जाती है आपकी स्किन, और सन की रेज से भी प्रोटेक्ट हो जाएगी। तो मुझे तो ये 2-in-1 का काम लगता है, मॉइस्चराइजर प्लस सनस्क्रीन दोनों इसके साथ लगते हैं। एंड इसकी सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसके अंदर बिल्कुल भी फ्रेग्रेंस नहीं है। इनफैक्ट इसके जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है, उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि इसके अंदर फ्रेग्रेंस डाला है, तो यस, वो भी टेंशन नहीं है। अगर आपको फ्रेग्रेंस पसंद नहीं है, फ्रेग्रेंस से आपको एलर्जी होती है, तो भी तो आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। तो पर्सनली अगर मैं बताऊं, तो मुझे इसकी सबसे अच्छी बात लगी कि इसका जो फॉर्मूला है नॉन स्टिकी है, लाइट वेट है, तो स्किन पे ऐसा फील भी नहीं होता है। काफी सनस्क्रीन ऐसे होते हैं जिनको लगाने के बाद ना हैवी हैवी लगता है, बट इसके साथ वो प्रॉब्लम नहीं है। लाइक स्किन पे लाइट वेट भी है, स्टिकी बिल्कुल नहीं लगती है, स्किन एकदम नॉर्मल, जैसे हम कोई भी मॉइस्चराइजर लगाते हैं ना ऑयल फ्री वाला, वैसा इसका फील है। सो यस, पपाया है इसके अंदर, विटामिन सी है, तो ये आपकी स्किन को ब्राइटन अप भी करेगा, साथ में एक्ने स्कार्स, जो भी पिगमेंटेशन वाली प्रॉब्लम है, उससे भी आपको प्रिवेंट करता है। इंग्रेडिएंट वाइज भी काफी अच्छा प्रोडक्ट है। तो इसको लगाने के बाद थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटमेंट तब हुई थी जब मैं इसको लगा के धूप में गई, एंड 2 से 2.5 घंटे बाद मुझे काफी ज्यादा स्वेटिंग हो गई थी। तो इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि स्वेट प्रूफ है, आप अगर धूप में जाओगे तो आपको बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं होगी। यस, स्वेटिंग आपको होती है, जो ग्लो आपको दिखता है ना फेस पे, मुझे लगता है वो स्वेट के कारण ही दिखता है। सो यस, स्वेटिंग होगी थोड़ी बहुत अगर आप धूप में जाओगे, अगर आप नॉर्मल घर पे बैठे हो फैन वैन के नीचे, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की स्वेटिंग होगी। यस, बाहर वगैरह जाओगे तो स्वेट प्रूफ बिल्कुल नहीं है ये। तो यस, आप कॉम्पैक्ट के थ्रू इसको अच्छे से सेट कर सकते हो, ताकि कुछ टाइम तक आपको स्वेट नहीं आए। काफी अच्छा प्रोडक्ट है, ऑयली स्किन वालों के लिए तो सुपर्ब है, क्योंकि ऑयली स्किन वालों के लिए सनस्क्रीन ढूंढना यार बहुत बड़ा चैलेंज होता है। काफी सनस्क्रीन मैंने यूज किए हैं, बट सबके साथ ये प्रॉब्लम है, लगाते ही स्वेट आना शुरू हो जाता है, बट इसके साथ वैसी प्रॉब्लम नहीं, लगाने के 2-3 घंटे बाद आप नॉर्मली रह सकते हो, बाहर जाओगे तो ही आपको स्वेट होगी। सो या गाइस, दैट्स ऑल अबाउट माय एक्सपीरियंस। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हो, फॉर श्योर मैं आपको रिप्लाई करूंगी। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगेन एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।